नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आकांक्षा 14 ने है सो इस वर्ष एक नया सब्जेक्ट को ऐड कर दिया है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट मैट सिलेबस। ठीक है, तो मैट का आज सिलेबस जानने वाले हैं कि क्या है सो इसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सिलेबस तो जानेंगे ही, साथ ही हम है सो 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है आपको तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 5-6 वीडियो है सो मैट के ऊपर आने वाला है। ठीक है, उसमें सो आपको पूरा सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप और भी डिमांड करते हैं तो आपके लिए सो हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए मैट के सिलेबस को सबसे पहले जान लेते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो देखिए मैट के सिलेबस में क्या क्या है। पहला है कोडिंग डिकोडिंग, ये सब आपको है सो एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा कि ये सब क्या है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, पहले सिलेबस को ऐसे ही जान लीजिए ओवरव्यू। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, अल्फाबेट टेस्ट है, ब्लड रिएक्शन है, इंसर्टिंग द मिसिंग करेक्टर है। देखिए इसमें क्या होता है, बहुत सारा नंबर दिया जाता है, बीच में ऐसे क्वेश्चन मार्क रहता है तो उसमें फिल करना रहता है। ठीक है, आपको एग्जांपल के साथ अच्छे से बताएंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट है। ठीक है, डायरेक्शन आपको बताना रहता है, एनालॉगी है, ब्लड रिएक्शन है, ब्लड रिएक्शन आपको पहले ही बता दिए हैं, मिरर इमेज है, फिगर काउंटिंग है। तो ये सब सिलेबस है। अगर आपको और कुछ भी लगता है कि रीजनिंग में और कुछ होना चाहिए आप कमेंट में नीचे बताइए, वो भी हम आपको कराएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम सो सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आने वाले वीडियो में है सो और भी जो सिलेबस आपको बताए हैं वो सब कराया जाएगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज हम करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का 10 क्वेश्चन रहेगा और नंबर सीरीज का 10 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले है सो कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन करते हैं। और आपको बता दें कि इसका जो PDF है वो है सो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में फर्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, शुभम को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को क्या लिखा जाता है, TVCIBN लिखा जाता है। ठीक है, तो सत्यम को, ठीक है, सत्यम को क्या लिखेंगे, सत्यम को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे। ये ऑप्शन आपको 4 को दिया है, ये आपको बताना है, 5 को ऑप्शन दिया है सॉरी, तो 5वें ऑप्शन आपको टिक लगाना है कि कौन होगा सही। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे यहाँ पर कोड किया गया है। जो शुभम को लिखा गया है वो कौन कोड में लिखा गया है, TVCIBN में। तो कैसे लिखा गया चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। शुभम को क्या किया, देखिए S को है सो टी लिख दिया यानी एक बढ़ा दिया। ठीक है, U को है सो भी कर दिया है, अब B को C और H को I कर दिया है, A को B और M को N कर दिया। ठीक है, तो एक एक बढ़ा दिया। ठीक है, उसी तरह से हम चलिए देख लेते हैं कैसे लिखेंगे सत्यम को। S के आगे क्या हो जाएगा, T, पहले T आएगा। ठीक है, पहले T आएगा, फिर A के बाद B आएगा, A के बाद B आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए T के बाद U आएगा। ठीक है, T के बाद U आ जाएगा, इसके बाद Y के बाद वाई के बाद जेड आ जाएगा। ठीक है, ए के बाद बी और एम के बाद क्या आ जाएगा, एन। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, देखिए TBUZBN कौन ऑप्शन में सही है, तो 4 ऑप्शन सही है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको बनाना है, पहले ऐसा जो पहला बता दिया गया कि इसको ऐसे शुभम को ये लिखा गया है, यहाँ पर कोड बता दिया गया कि आपको ऐसे इस तरह से लिखना है। अगर आप एक बार डिकोड कर लेते हैं इसको तो सत्यम को भी हम कोड कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना था कोडिंग डिकोडिंग का। तो आप अगला जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं वो आप ट्राई कीजिएगा वीडियो पॉज करके और कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, STABILIG स्टेबलाइज को क्या लिखा जाता है, UVCDKNKUG लिखा जाता है। क्रिकेट को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, यानी जो क्रिकेट है उसको क्या लिखा जाएगा जब इसको ये लिखा जाता है। ठीक है, तब तो यहाँ क्या किया गया है, देखिए S को तो क्या कर दिया है, यू कर दिया गया है, यानी STU दो बार बढ़ा दिया गया। ठीक है, और T के का किया गया है, T के बाद TUV यानी दो दो बढ़ाया जा रहा है, A को ऐसो सी लिख दिया जा रहा है। ठीक है, और B को D यानी CD दो दो बढ़ाया जा रहा है, तो चलिए दो दो बढ़ा कर हम लिख देते हैं। ठीक है, C को हम क्या लिख सकते हैं, CDE ई शुरू में आएगा, E होगा। R को क्या कर सकते हैं, ST T हो जाएगा। I को JK ठीक है, तो C को क्या लिख सकते हैं, CDE आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद K को LM हो जाएगा यहाँ पर। E को FG हो जाएगा। T को UV, तो ऐसा कौन ऑप्शन है सही देख लीजिए आप।
सेकेंड ऑप्शन देखिए सही एकदम, ठीक है तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी तरह आपको बनाना है, ठीक है। कोडिंग पहले कर लेना, देख लेना किस कोड में लिखा गया है, इसके बाद आपको ऐसा उसी कोड में ऐसा एक और को लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। एम ए वाई ओ आर को लिखा जाता है एन बी जेड पी एस, ठीक है। तो एस यू पी आर ई एम ई को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो कमेंट करके जल्दी बताइए हमको। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, से एकक बढ़ाया गया, ठीक है। एम को ऐसे एन लिख दिया गया है, ए को बी, और देखिए वाई को ऐसो जेड किया गया है, ओ को पी किया गया है, और आर को एस किया गया है। तो एकक बढ़ा देते हैं चलिए यहाँ पर भी। तो यहाँ क्या का लिखना है, एस यू पी आर ई एम को लिखना है। तो एस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा पहले, फिर यू का भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर पी का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर का एस, ई का एफ, एम का एन, ई का एफ हो जाएगा, ठीक है, एफ हो जाएगा। तो एफ लिख देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है ऐसा देख लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन हमारा जो फर्स्ट है वो सही है एकदम, ठीक है। तो थर्ड का फर्स्ट हो जाएगा, आप मिला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्या है सो करना है इसमें। देखिए गोल को क्या लिखा जाता है, जी ओ ए एल को, गोल को लिखा जाता है एच बी बी एम, ठीक है, एच पी बी एम लिखा जाता है। यानी कि जी को एच कर दिया गया, ओ को पी, और ए को बी, और एल को एम, यानी एक बढ़ा गया है। देखिए क्या करेंगे, पी को हम क्यू लिखेंगे पहले, पी को क्यू, और फिर देखिए ओ को पी लिखेंगे, एस को, एस को क्या लिखेंगे, टी, और टी को यू लिखेंगे। तो कौन ऑप्शन सही है ऐसा है, क्यू पी टी यू, क्यू पी टी यू। देखिए फोर ऑप्शन सही है एकदम, ठीक है। तो इस तरह से आपको टिक लगाना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन और देखते हैं। 10 क्वेश्चन करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, अलग अलग टाइप का करेंगे। ये टाइप वन था, चलिए टाइप टू करते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे ऐसा कोड किया गया है। देखिए पी ओ एल आई एस है, यानी पॉलिस को ऐसो ये लिखा गया, ठीक है, एम एल आई एफ पी ई, ठीक है। तो डी आई जी को कैसे लिखा जाएगा ये पूछना है, पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो पॉलिस को ये लिखा गया है ये कैसे कोड किया गया, ये देखते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पी है इसको ऐसो एम लिखा गया है। तो पी कहाँ पर, यहाँ पर देखिए पी है, तो एक दो तीन, तीन को पीछे गया है। ओ को ऐसो कैसे किया गया है, वो यहाँ पर है, एक दो तीन, एल लिखा गया, ठीक है। फिर एल को ऐसे तीन पीछे किया गया है, एल यहाँ पर है, तो एक दो तीन, आई लिखा गया, देखिए एल को आई। इसी तरह ऐसा तीन तीन ऐसा पीछे किया गया है, ठीक है। तो डी के तीन पीछे कौन होगा, सी बी ए, तो ए आएगा, तो ए पहले लिख लेते हैं। और ए कौन ऑप्शन में है, देखिए ए है सो सेकेंड ऑप्शन में है। चलिए और थोड़ा सा कर ही लेते हैं। आई को देखिए क्या किया गया है, आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर, तो एक दो तीन, ए पर लिखा गया है, ठीक है। और जी को देखिए, जी कहाँ पर है, जी यहाँ पर है, तीन पीछे किया गया है, एफ ई डी, तो ए एफ डी। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी आई जी को क्या लिखा जाएगा, ए एफ डी। तो इसी तरह से आपको ऐसे पहले जो कोड किया गया है इसको ऐसे डिकोड कर लेना है, इसके बाद ऐसे इसको भी कोड कर देना है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है, यहाँ पर क्या किया गया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यूनाइटेड को एस एल जी आर सी बी लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डी आई एस ओ डब्ल्यू एन को क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको पाँच को दिया गया है, तो इसमें से आपको चूज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिकोड करेंगे ये कैसे लिखा गया है, इसी के बाद है सो उसी भाषा में सो इसको लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए डिकोड कर लेते हैं पहले कैसे किया गया है। तो देखिए क्या किया गया है, सो यू को ऐसा एस लिखा गया, ठीक है, यू को एस लिखा गया, कहाँ पर यू है, यू यहाँ पर है, तो कितना पीछे गया है, दो पीछे, टी एस, यानी दो दो का हो रहा है, ठीक है। एन का सो एल लिखा गया, देख लेते हैं इसको भी, एन को एल, एक दो, दो पीछे जा रहा है। आई को ऐसा जी लिखा गया है, आई कहाँ है, आई भाई यहाँ पर है, जी लिखा गया, एक दो, दो दो पीछे जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम ऐसा इसको भी दो दो पीछे करके लिख लेंगे, ठीक है। तो डी के दो पीछे क्या होगा, सी बी, तो बी पर लिख लेते हैं, ठीक है, बी हो जाएगा। आई के दो पीछे एच जी, तो जी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद एस के दो पीछे, एस यहाँ पर है, तो आर क्यू, क्यू हो जाएगा, ठीक है। ओ के दो पीछे, ओ यहाँ पर है, तो एन एम, तो एम हो जाएगा, ठीक है। फिर डब्लू, डब्लू के दो पीछे क्या होगा, वी यू, तो यू हो जाएगा, ठीक है, यू हो जाएगा। इसके बाद एन के दो पीछे, एन के दो पीछे है एम एल, तो एल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड है वो एकदम सही है, ठीक है, आप देख सकते हैं, मिला भी सकते हैं। तो इस तरह से आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं इसी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोल रहा है यहाँ पर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेक्सटाइल को, टेक्सटाइल को क्या लिखा जाता है देख लेते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेलीग्राम को ये लिखा जाता है, ठीक है, टेलीग्राम को ये लिखा जाता है,
तो इसको है सो उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है देख लेते हैं। टी को ऐसे एस लिखा गया है, ठीक है। ई को ऐसे डी लिखा गया है, यानी एक एक पीछे किया जा रहा है। देखिए टी कहाँ पर है मैं आपको बता दे रहे हैं, टी देखिए यहाँ पर है। तो टी को एस लिखा जा रहा है यानी एक पीछे किया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से ई को डी लिखा जा रहा है, ई को डी लिखा जा रहा है, एक एक पीछे किया जा रहा है, ठीक है। एम को देखिए ई जो लास्ट है, एम को यहाँ पर, एम को ए लिखा जा रहा है, एक एक पीछे किया जा रहा है। तो चलिए इसको भी जल्दी से लिख लेते हैं। तो ई को क्या हो जाएगा, ई को डी हो जाएगा, ठीक है। फिर एन को क्या हो जाएगा, एन कहाँ पर देख लेते हैं, एन को एम हो जाएगा। वी को यू हो जाएगा, ई को, ई को क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। एल को जो एल है इसको क्या हो जाएगा, एल का ऐसा क्या हो जाएगा। ओ को क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और फिर पी को, पी के पीछे क्या है, ओ है, ठीक है। फिर ई को, ई के पीछे डी है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर है, देखिए फोर ऑप्शन सही है। देखिए सब में यू यू है लेकिन इसमें भी है, तो ये सही हो जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा। तो आपको इस तरह से डिकोड करना है। 12 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए मेरा जो क्वेश्चन नंबर है वो इधर उधर हो जाएगा क्योंकि ऐसा हम एक बुक से किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में यह क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्ट को, ठीक है, ऑनेस्ट को क्या लिखा जाता है, एफ एम एल क्यू सी क्यू आर लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। तो आप कमेंट करके जल्दी बताइए। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, एच को ऐसे एफ लिखा गया है, एच यहाँ पर है तो एक इधर गया एक इधर, यानी दो ऐसे पीछे जा रहा है, ठीक है। तो दो पीछे जा रहा है। ओ को ऐसे एम लिखा जा रहा है, ओ यहाँ तो एक दो पीछे जा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए एन को ऐसे एल लिखा जा रहा है, एक दो एल यहाँ जा रहा है। तो इसी तरह हम ऐसे इसको भी दो पीछे कर करके लिख लेते हैं। चलिए तो सी को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे पहला बात, ठीक है, बी ए, ठीक है, तो ए लिखेंगे। इसके बाद देखिए आर को क्या लिखेंगे, आर कहाँ यहाँ पर, तो पी ओ, ओ लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसा जो ई एस सी आर ओ डब्ल्यू ई डी है उसको ऐसा इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह का ऑप्शन किसी में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फाइव सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इंडिया को ऐसे ये लिखा जाता है तो जापान को क्या लिखा जाएगा इसी भाषा में, ठीक है, आपको बताना है। तो पहले डिकोड कर ले कैसे लिखा गया है ये। तो देखिए इसको कैसे डिकोड किया गया है, आई को ऐसो ए के लिखा गया, ठीक है, तो एक दो दो बढ़ा गया है। इसके बाद देखिए एन को ऐसे क्यों लिखा गया है, एन यहाँ पर है तो एक दो तीन, यानी तीन बढ़ाया गया है। पहले दो बढ़ाया फिर तीन बढ़ाया। फिर देखिए डी को क्या किया गया है, डी को ऐसो एफ लिखा गया है, डी यहाँ पर है ई एफ, यानी फिर दो बढ़ाया, पहले दो बढ़ाया फिर तीन फिर दो आया, ठीक है। इसके बाद फिर तीन होगा शायद, देखते हैं। फिर आई को क्या किया गया है, आई को ऐसो एल लिखा गया है, तो आई यहाँ पर है तो एल कैसे हो जाएगा, एक दो तीन, तीन फिर हो गया फिर दो हो जाएगा। ए को सी लिखा गया है, एक दो, ठीक है। तो पहले दो बढ़ाया गया है फिर तीन बढ़ाया गया है फिर दो बढ़ाया गया है फिर तीन बढ़ाया गया है, तो इस तरह से बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले ऐसे दो बढ़ाएंगे, तो जे को क्या करेंगे, दो बढ़ाएंगे, तो जे यहाँ पर है तो के एल, तो एल हो जाएगा पहले, ठीक है। इसके बाद देखिए ए को तीन बढ़ाएंगे तो बी सी डी, तो एल डी हो जाएगा, ठीक है। पी को दो बढ़ाएंगे तो क्यू आर, ठीक है, आर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ए को है सो फिर है सो तीन बढ़ाएंगे तो बी सी डी, फिर डी हो जाएगा। एन को क्या करेंगे, दो बढ़ाएंगे तो ओ पी, पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है एल डी आर डी पी, ये ऑप्शन कौन में है, फर्स्ट में सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सो सही हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। इसी तरह से आपको ध्यान से देखना है, पहले तो ए बी सी डी लिख लेना है, इसके बाद देखना है कि किस तरह से ऐसा कोड किया गया है, इसके बाद उसी कोड में ऐसा अगला को भी लिख देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसा होमवर्क देते हैं, आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी आप ऐसा कमेंट में बताइएगा। तो टाइप फोर देख लेते हैं जल्दी से क्योंकि टाइमिंग कम है, आप ऐसा खुद से भी एक दो को बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ये। तो ये जो क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इसको है सो इसका अर्थ है सो प्रिंट है तो इसका अर्थ क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे है सो, पहले ये कोड किया गया है, ठीक है। तो आर को क्या किया गया है, आर को यहाँ पर ये जो आर है इसको है सो पी लिखा गया है, यानी एक दो, पहले दो पीछे किया गया है, ठीक है। यू को, यू कहाँ पर है, यहाँ पर है,
तो यू को आर लिखा गया यानी 1 2 3, पहले 2 किया गया फिर 3 किया गया, एम को है सो 1 2 3 4, देखो आई लिखा गया एम को तो 4 पीछे किया गया है, फिर एस को 5 किया गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से किया गया, ठीक है। तो एफ को पहले क्या करेंगे, 2 पीछे करेंगे शुरू में, ठीक है, शुरू में 2 किया गया था तो इसीलिए 2 करेंगे पहले। तो एफ को 2 करेंगे, एफ यहाँ पर है तो ई डी पहले डी आ जाएगा, ठीक है डी। चलिए इसके बाद यू को 3 पीछे करेंगे, पहले 2 किए थे 1 2 3, तो डी आर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए एम को 4 पीछे करेंगे, एम यहाँ पर है तो 1 2 3 4 आई हो जाएगा, डी आर आई। इसके बाद देखिए एस को है सो 5 पीछे करेंगे, ठीक है, तो एस यहाँ पर है 1 2 3 4 5, तो एन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्यू को है सो 6 पीछे करेंगे, क्यू मेरा यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6, तो के हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही हो गया, ड्रिंक डी आर आई एन के, ड्रिंक सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन में सही है, 3 ऑप्शन सही है ड्रिंक। चलिए तो ये भी जो क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही सही है, ये भी होमवर्क आपका है, ठीक है, आसानी से बन जाएगा, आप सिर्फ ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये सब आपका होमवर्क है, ये भी होमवर्क है आपका, ठीक है। तो चलिए अब है सो मेरा जो कोडिंग डिकोडिंग था वो ख़त्म हो गया है, चलिए अब नंबर सीरीज करते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर सीरीज है इसको करते हैं पहले, ठीक है। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या किया गया देखिए आपको बताते हैं पहले। ये 2 को 3 किया गया, ठीक है, यानी 1 प्लस किया गया है, 2 + 1 3 हुआ, फिर 3 को फिर क्या गया 2 + किया गया, 3 2 5 हुआ, फिर देखिए यहाँ पर 1 था प्लस, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर देखिए क्या होगा सेम 5 का 4 4 + किया गया यानी 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 9 को 17 लिखा गया यानी 8 + किया, ठीक है, और इसके बाद इसको 16 + करके 33 लिखा, + 16, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से सीरीज बन रहा है, पहले 1 किया इसका फिर डबल किया 1 का तो 2 हुआ, फिर 2 का डबल 4 + किया, फिर 4 का + डबल तो 8 किया, फिर 8 का डबल 16 किया, ठीक है। तो 16 का डबल क्या होता है 32, तो 33 + 32 क्या हो जाएगा बताइए आप, 3 2 5 3 3 6 65 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। तो सीरीज को देख लेना, नंबर सीरीज इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसको चलिए देखते हैं इसमें क्या किया गया है अगला क्वेश्चन में। तो देखिए इसको है सो बहुत देरी सोचने के बाद पता चला इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है सो देख लीजिए आप। 4 को पहले क्या किया गया है, 4 को ऐसे 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 4 3 12 और फिर 2 - किया गया, ठीक है, तो 10 आया, ठीक है। तो यहाँ पर सो अगला तो यहाँ बताना आपको क्या होगा, लेकिन तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसको 82 को क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, इसके बाद देखिए 3 × 24, ठीक है, 246 में से कितना माइनस करेंगे हम, पहले 2 माइनस करेंगे क्योंकि 2 ही माइनस कर रहे हैं तो 244 आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम 244 जो है यहाँ पर जो 244 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 240 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 732 आएगा, ठीक है, और फिर 2 माइनस कर देंगे तो 730 आ जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है सो पहले सो जो नंबर दिया गया है उसमें सो 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसके बाद जो है सो 2 माइनस किया गया है, तो यहाँ पर 10 को है सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है, तो 28 आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, ठीक है। तो 93 है सो तुरंत ही मिल गया इसका आंसर क्या होगा सो देख लेते हैं। चलिए देखिए 2 को + 3 किया गया यानी 2 3 5 हो गया, फिर 3 + किया गया 8 हो गया, 8 3 11 11 3 14, तो 14 3 17, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या किया गया है इसमें। तो देखिए इसमें क्या किया गया है सो पहले तो 2 का क्यूब किया गया है, सॉरी क्यूब किया गया है तो 8 है 2 का क्यूब, इसके बाद 2 का क्यूब किया गया था तो 2 - किया गया 6 आया, ठीक है। इसमें देखिए 3 का क्यूब किया गया, 3 3 9 9 27 27 - फिर 3 का क्यूब किया तो 3 - करेंगे तो 24, ठीक है, तो इस तरह से किया गया है, ठीक है। तो 3 का 4 यहाँ किया हुआ है, 5 का किया हुआ है, ठीक है, तो 5 का किया हुआ तो अगला बार क्या क्या करेंगे 6 का करेंगे, तो 6 का क्यूब करेंगे पहले, ठीक है, तो कितना आएगा 6 का क्यूब, 6 से 36 36 6 का 216 होगा, ठीक है, तो 216 में कितना माइनस करेंगे 6 - करेंगे क्योंकि 6 का क्यूब किए हैं तो 210 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाना रहता है, ठीक है, इसमें तो अच्छे से आप सोच के दिमाग लगाएगा, कहीं भी सोच सकते हैं किधर भी, क्योंकि इसमें सो कोई डिफिनिट नहीं है, इसी तरह से आपको दिया गया रहेगा, ठीक है, तो आपको ध्यान से सोचना है इसके बाद ही बनाना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या किया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया सो
एक के बाद तीन लिखा गया है, यानी दो प्लस किया गया है, ठीक है, पहला बार में। इसके बाद चार प्लस किया गया है, तीन को सात किया गया है, तो ठीक है। इसके बाद सात को तेरह किया गया है, यानी छः प्लस किया गया है, ठीक है। इसके बाद तेरह को इक्कीस, छः दो यानी आठ, आठ प्लस किया गया है। तो आपकी देखिए दो दो बढ़ रहा है, यानी दो के बाद चार, चार के बाद छः, छः के बाद आठ। तो इस तरह से तो प्लस किया जा रहा है, यानी ऐड किया जा रहा है नंबर में, ठीक है। तो देखिए आठ के बाद क्या आता है, दस। तो इक्कीस में दस प्लस तो क्या आएगा, इकतीस। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं क्या किया गया है इसमें, इस क्वेश्चन में। देखिए दो के बाद छः लिखा गया, यानी चार प्लस किया गया, ठीक है। इसके बाद छः को चौदह किया गया है, यानी चार चार आठ किया गया है, ठीक है, चार और ऐड किया गया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पर छब्बीस किया गया है, यानी बारह प्लस किया गया है, चौदह प्लस बारह करके छब्बीस आता है, बारह किया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कितना किया गया है, सोलह प्लस किया गया है, छब्बीस और सोलह करेंगे तो कितना हो जाएगा, बयालीस हो जाएगा, प्लस सोलह। इसके बाद देखिए यहाँ पर बीस प्लस किया गया है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से प्लस किया जा रहा है नंबर में, पहले चार, फिर आठ, फिर बारह, फिर सोलह, फिर बीस, यानी चार चार का बढ़ जा रहा है, ठीक है। चार के बाद आठ, आठ चार बारह, तो इस तरह से चार चार बढ़ रहा है, ठीक है। तो बीस और चार क्या इतना था, चौबीस। तो बासठ प्लस चौबीस कितना हो जाएगा, बासठ प्लस चौबीस चार दो छः हो जाएगा, और छः दो आठ यानी छियासी हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सही हो जाएगा, फोर सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन फोर सही हो जाएगा, 86। 97 देखते हैं, चार। चलिए ये क्वेश्चन से आप करके बताइएगा, ठीक है, आप कमेंट में हमें बताइएगा अगर आपका सही होता है 97 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर इधर इधर हम किए हैं, क्योंकि ऐसा हम बुक से किए हैं, ठीक है। तो आप इस पर ध्यान नहीं दीजिए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं आपके लिए। तो चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी है सो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, किसी थोड़ा अलग टाइप का है, चलिए इसको कभी कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर आपको भरना है नंबर, ठीक है, इस ऑप्शन में से। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ऐसे कोडिंग किया गया है। तो देखिए हमको मिल गया, ठीक है, देखिए किस तरह से किया गया है। सो आठ और सात कितना होता है, आठ और सात पंद्रह, पंद्रह में से दो हो गया तेरह हो गया, यदि छः और तीन नौ, नौ में से चार गया पाँच हो गया, ठीक है। तो देखिए चार और एक पाँच, तो पाँच में से कितना जाएगा, क्योंकि चार हो जाएगा, ठीक है। तो पाँच में से एक जाएगा तो चार हो जाएगा, यहाँ एक आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो अल्फ़ाबेट वाला रहता है वो से क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड रहता है, हार्ड लेवल का, जो सरकारी जॉब करते हैं, जो तैयारी करते हैं उनके, उसको ऐसे पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। ये बहुत हार्ड होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो चलिए खाली नंबर वाला करते हैं, देखिए ये नंबर वाला एट नंबर क्वेश्चन, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, चलिए देख लेते हैं। तीन को ऐसे इस तरह से, सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर भरना हमको, ठीक है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कोड किया गया है, तीन का स्क्वायर कितना होता था, तीन का स्क्वायर होता है नौ, ठीक है। फिर माइनस तीन किया गया, क्योंकि तीन का स्क्वायर किया गया तो छः होता है, ठीक है। फिर आठ का स्क्वायर होता है चौंसठ, चौंसठ में तो आठ जाएगा तो छप्पन हो जाएगा। तो इस तरह ऐसा डिकोड किया गया है। दस का कितना स्क्वायर होता है, सौ, सौ माइनस दस का स्क्वायर है तो दस माइनस करेंगे तो नब्बे हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसी तरह है, सो हम क्या करेंगे, यहाँ 20 है, ठीक है। तो ऊपर कितने का स्क्वायर हुआ होगा ये देख लेते हैं। तो लगभग कितना हुआ होगा, चलिए सोचते हैं थोड़ा सा, 25 का लगभग हुआ होगा हमको लगता है, सॉरी 5 का स्क्वायर हुआ होगा, 5 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और माइनस 5 करेंगे तो 20 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 5 आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट किया गया, देखिए कैसे किया गया। सो देखिए 12/4 किया गया है, ठीक है, इधर वाला सो इधर चल गया है 12/4, तो कितना आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, ठीक है, काटेंगे तो। और देखिए इसमें क्या किया गया, 21/7 किया गया है, तीसर भी 3 आ जा रहा है, 17/21, ठीक है। और इधर देखिए क्या किया गया है, 10/5 किया गया है इधर भी, ठीक है, 10/5, तो कितना हो जाएगा, 5 × 10 2 आ जा रहा है, और 4/2 करेंगे तो इधर भी 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से किया गया है। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं क्या किया गया होगा से। तो अगर हम यहाँ पर 83 रखते हैं, देखिए 83 रख के देखते हैं, ठीक है, 83। तो जब यहाँ पर हम 83 रख कर देखते हैं तो देखिए किस तरह से होगा, से 64/8 करते हैं, क्योंकि इधर वाला इधर आ जा रहा है, ठीक है, और 24/3 करते हैं, ठीक है। अगर इसको काटेंगे तो 8 आ जाता है, 3×8=24, तो 8×8 आ जा रहा है, यानी इक्वल आ जा रहा है, तो यहाँ पर 83 सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्विस्ट था इसमें, ठीक है, तो आप बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो सर्कल बना के है, सो यहाँ पर वाट दिया गया है, तो यहाँ पर भरना आपको, तो किस तरह से करना चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है, सो यहाँ इससे आधा बांट लेते हैं,
तो देखिए अत्रि कितना था 24 और 24 वंजा 24 इक्वल आ गया, 24 इक्वल टू 24 ठीक है, इस तरह से किया गया है। तो क्या क्या करेंगे यहाँ पर, 6 चौका 24 हो गया, 6 इंटू 4 24 हो गया, और इसके बाद यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 12 से, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं इसी तरह से, जल्दी सुन। तो 18 नंबर ऐसा आसान है, आप कर लीजिएगा ठीक है, अगर आप कर लिए हैं तो कमेंट में बताइए हमको। देखिए क्या करना है सर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, आप प्लस इसको 4 करेंगे तो 40 हो जाएगा, इसे 3 तहीं 9 ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12 हो गया। इसी तरह प्रकार 7 का 49, 49 प्लस 2 कितना करेंगे 51 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है ठीक है, इसके बाद नीचे है तो आपको होमवर्क दे देंगे, नीचे और क्वेश्चन है ठीक है। तो 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या करना, चलिए देख लेते हैं। 5 3 8 8 7 15 15 अब 1 का स्क्वायर, तो देखिए क्या क्या करना है, तीनों को पहले ऐड कर लेते हैं ठीक है, इस तरह से ऐड कर लेते हैं, इसका स्क्वायर फिर करेंगे तो 16 आ जाएगा ठीक है, आप कर सकते हैं ठीक है। चलिए अब सबको फिर ऐड कर देना है, इसी प्रकार इसको भी कर लेते हैं, देखिए 5 और 3 8 8 8 16 और 2 का स्क्वायर कितना था 4, तो 16 और 4 20, तो 20 भी आ जा रहा है, और तीनों को चलिए ऐड कर लेते हैं फिर से, 7 4 11 11 11 22, और 22 और 9 का स्क्वायर नहीं 3 का स्क्वायर 9, तो 22 और 9 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, देखिए नीचे है तो जो नीचे है ये जो क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, ये आपका ऐसा होमवर्क है, तो आप होमवर्क करके अच्छे से आइएगा ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, इसका जो PDF है वो आपको ऐसा डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर ऐसा व्हाट्सअप ग्रुप दिया गया है, उस ग्रुप में जैसे ज्वाइन होएगा वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगला जो टॉपिक होगा वो ऐसा आपको सिलेबस बता दिए हैं, उसी में से ऐसा और टॉपिक को हम लाएंगे और उसमें से क्वेश्चन करेंगे ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।